आज हम रेगिस्तान में आ गए और मम्मी चल रही है आगे आगे और यहाँ पे जेसीबी लगाया तो हमें अच्छी मिट्टी मिली है इधर से। तो चलो सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? दुआ करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू मैनेजर व्लॉग। सबसे पहले जय श्री राम। और भाई उसको देखो ही। हाँ चल। तो भाई अभी हम लोग जस्ट सारे फैमिली लोग आज हम घूमने जा रहे हैं, पूरी फैमिली वाला, मम्मी मैं भैया दीदी और वो भी जा रही है और एक और दीदी है, सब जा रहे हैं हम लोग मिलके। तो देखते हैं अब क्या सीन बनता है, आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, देखते हैं बताएंगे और शॉर्ट्स बनाएंगे बढ़िया बढ़िया। तो चलो पहले, और हाँ फैमिली के साथ जाना चाहिए भाई हर संडे को, मतलब संडे संडे को देना चाहिए टाइम। तो चलो पहले चलते हैं फिर मिलते हैं। सो गाइस जस्ट अभी तैयार हो गए हैं, तुम लोग भी देख रहे होंगे भैया एक ही कुर्ता पहन रखा है इसने। हाँ यार मेरे को काफ़ी टाइम बाद मिला तो मैंने पहन रहा हूँ। और वहाँ देखो भैया गाड़ी चमका रहा है अपनी टोक्यो। तो चलो निकलते हैं, मम्मी लोग सब तैयार हो चुके हैं, ये देखो भागो भागो। तो चलो गेट गुड लगा देते हैं इधर और निकलते हैं यहाँ से, बाकी घर वालों को दिखाता हूँ मैं एक बार। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं खलंगा साइड, ये दीदी वो मम्मी उधर बैठ रखी है, अबे वो लोग आगे चले गए ऋषि का लोग, तो भैया उनको लेने गया अभी। तो अभी आज हम जा रहे हैं खलंगा के जंगलों में, देखते हैं क्या सीन बनता है। सो गाइस हम लोग खलंगा के जंगल पहुँच चुके हैं मम्मी के साथ और यहाँ देखो भाई जंगल कितना प्यारा है। तो आज और बहुत दूर है मम्मी बोल रही है, बाकी लोग पीछे से आ रहे हैं और बाकी चलते हैं अभी ऊपर चलते हैं मेन जंगल में, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस यहाँ देखो भाई हम लोग यहाँ पे रुके हैं अभी थोड़ी देर, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाएंगे और देखते हैं फिर क्या सीन बनता है बाकी। तो गाइस यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, बड़ा डीप डिस्कशन। अच्छा जो तूने बताया था। ये देखो बड़ा तगड़ा ही कुछ जंगल है इधर। चल ले भाई चल लेते हैं फिर हम। हेलो गाइस, मेरे को अभी अपनी बचपन की याद आ रही है, हम ना गाय चुमाने जाते थे जब जंगल में, तो सेम टू सेम ऐसे ही जंगल था वहाँ भी। हमारे गांव में भी सेम ऐसी जंगल है भाई, गांव में से सबके गांव में होता है, लेकिन भाई सच में गांव मम्मी को याद आ गई गांव की, क्योंकि मम्मी काफी टाइम बाद आई है इधर ऐसे जंगलों में। तो क्योंकि ड्यूटी पे टाइम ही नहीं लगता है ऐसे जंगलों में घूमने का, पर आज मौका मिला है, आज ऐसा लग रहा जैसे अपने गाँव में पहुँच रखी होगी। राइडर अबे वो यार बाल कटाए क्या? नाइस, कुछ बोल रहा है एक बार इधर। हेलो गाइस कर दे। तो गाइस अभी हम मंदिर साइड आ गए हैं, आजा मंदिर साइड आ गए हैं। देखा होगा तुमने, मैं पिछली बार भी आया था और मैंने दिखाया था, तो मैंने एक बार बोला था कि आना चाहिए सबको एक बार, आजा बीच आ। तो अभी देखते हैं, आना आ गया भाई आजा। हाँ देखो वो मम्मी लोग अभी, वो हमने वो रात जानना है कि वो माता को क्यों ढकाया रहता है पूरा, पर मेरा जूता फट गया शायद तभी। अच्छा यहाँ देखो ये मेरी गरीबी, अब मेरे को ये जो कैमरा मैन दिलाएगी जूता नाइकी, खुद ही उसने नाइकी पहना है भाई। तो चलो तो गाइस देखो मैं चंद्रेणी देवी मंदिर में आ गया हूँ और ये माता को ढकाया रहता है किसी कारण से। तो चलो अभी इसके परिक्रमा कर लेते हैं भाई पहले। जय भगवान, जो मैंने मांग रखा है थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से। ये देखो वहाँ देखो भाई गाइस इसको। सो गाइस अभी जस्ट हम लोग जा रहे थे और आज मदर्स डे है सबको, मेरी तरफ से मेरी तरफ से सबको उनके लिए हैप्पी मदर्स डे, और मम्मी को आज हम मदर्स डे पे स्पेशल इधर लेके आए थे। कैसा लगा मम्मी? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आज मेरे को अपनी मैके की याद आई बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जैसे ही जंगल वहाँ भी है, बहुत अच्छी जगह है। बोलो बोलो खलंगा। ओ खलंगा में। हेलो गाइस, मेरा प्यार आपके साथ बना रही, मेरे बेटे को लाइक सब्सक्राइब करना और ऐसे ही प्यार दिखाते रहना, और माँ का आशीर्वाद आप लोग भी सब ठीक ठाक रहना। सो गाइस अभी दीदी के फोटो शूट वगैरह किया भाई, बहुत थक गया मैं, वीडियो शूट किया उसको, और ये लोग यहाँ पे सारे बैठ रखे हैं और ये रहा इधर गाड़ी, इधर पता नहीं किसकी है। तो अब चल रहे हैं, अभी पहले मैं अपने एक दो शॉर्ट्स बना लेता हूँ फिर निकलते हैं यहाँ से। ये जा रहा है मम्मी को स्कूटी सिखाने, आती है मम्मी को बस वहाँ से यहाँ तक लेके आनी है कि किसके साथ, टाइम नहीं है फालतू।
किसका बच्चा खो रखा है इधर। सो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ तक हम आ गए, अब देखते हैं कैसे बनता आगे का, बाकी देखते हैं। सो गाइस देखो पीछे कभी स्टार्ट करना, तो अभी जा रहे हैं, दीदी चला रही है गाड़ी और ये लोग पीछे हैं, तो चलो अभी इसी कैफे में बैठते हैं। गाइस खाने बैठ रखे हैं अभी कुछ, बहुत मजा है भाई। तो गाइस जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले घर पहुंचा था, और भाई पता है तुम्हें किसका फ़ोन आया, मुझे फौजी साहब का फ़ोन आया भाई आकाश का, कि कहाँ है क्या है, मैं ना इधर ही हूँ घर पे, तो मुझे मिलने आ रखा है, तो भाई अब मैं उसको मिलने जा रहा हूँ अपने टोक्यो पे, पहले उससे मिलते हैं फिर बताते कैसी है। अरे अरे भाई भाई ब्लॉग के बाद कोई लड़की मिली, उसके बाद मिली ना, ओ भाई भाई हेलो मिला दो, भाई हेलो मिला दे। इस भाई ब्लॉग ने कुछ काम किया दोस्तों, एक लड़की आई, मिलने भी गया, बहुत अच्छी मीटिंग, मतलब काफी अच्छी मीटिंग रही है, और हो सकता है आगे आगे भगवान करे हो जाए, कुछ बहुत आगे हो जाए, शायद उस लड़की को मैं जानता हूँ। ओ भाई भाई वो लड़ाई नहीं करनी, इधर आ जाओ फौजियों से। तो गाइस भाई भाई की छुट्टी खत्म हो गई है, बहुत बुरा लगा यार सच में यार, अबे चंद दिन की छुट्टी थी भाई ये, भाई पता ही नहीं चला रे छुट्टी का, वही तो यार अब क्या करें यार, आज शाम की हो है रे, आज शाम की क्या है फ्लाइट तो निकलूंगा बस से। हाँ हम थोड़ा वहाँ आए थे विक्सी, और इसको थोड़ा लैटरिंग लग, अच्छा मुझे भाई खुद थोड़ा, हम विक्सी मॉल आ गए थे जो यहीं पे है पास में हमारे, इसको घुमाने लायक ब्लॉगर थोड़ा घुमाने लायक क्या है भाई, तो चल रहे अब थोड़ा जा रहे हम लोग बाहर, दिखा कौन है भाई ने मेरे को आज काफी बड़े कैफे में लाया है भाई, शायद मैं यहाँ पे बैठने के यहाँ देखिए चप्पल में पैसा तो है नहीं हम पे गाइस, उसके बाद बर्तन भी मिलेंगे सस्ते 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 49 का मिल जा। तो गाइस ये मेरा काफी अच्छा दोस्त है, ये मुझे मिलने आया, नहीं तो ये ऋषिकेश भी जा सकता था मिलने भी, पता नहीं किसी के बहाने रात को ही अभी निकलूंगा, अभी जाएगा मतलब, तो चल रहे थोड़ा उधर साइड चलते हैं, कपड़े लेके आता है घूमने, हाँ पलटन चलते हैं, सही कपड़े आए हाँ, संडे मार्केट रेस्टोरेंट में आ तो गए, लेकिन हमें पता नहीं है रिमोट क्यों दे रखा है, कैफे अच्छा ये कैफे का रिमोट है, लेकिन ये बटन है यहाँ पर, भाई फोन तो नहीं है छोटा, अरे जब ऑर्डर ये बोल रहे हैं जब ये ऑर्डर आएगा ना तो ये बीप करेगा, बीप ना, तो इसमें पढ़ लेते क्या लिख रखा है, ग्रिल्ड टू यू मीटअप, मीटअप मीट यू दोस्तों कर दिया, पर बैठो बैठो, तो ये लाए हैं भाई सर, तो भाई जा रहा है और काफी बुरा लग रहा है क्योंकि अब मेरे को सीधा 6 महीने बाद मिलेगा भाई, बाकी कुछ बोलना चाहेगा भाई, मिलेंगे 6 महीने बाद आपके ब्लॉग में जय साहब, और भाई इसके लिए जरूर जय हिंद कर देना भाई, एक बार कमेंट में सब जय हिंद लिख देना चाहिए, ये थैंक यू भाई बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा, तो चल ठीक है भाई मिलता है, तो भाई भाई को अलविदा कर रहे हैं आप, आराम से जाना। सो गाइस हमें केक तो मिला नहीं यार, और केक के चक्कर में इन दोनों का लफड़ा हो गया था बाहर, इसलिए बोलता है अकेले मत जाएगा, मदर्स डे मम्मी एक कुछ बोल दो मेरे सब्सक्राइबर के लिए, लाइक सब्सक्राइब मत बोलना, कुछ और बोलना बोलो, अच्छा दीदी खिला रही है अभी, चलो मैं तो खिला दूंगा बाद में, पहले तुम बोल लो, काफी ठंडा है ब्रिक, अरे 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 हैप्पी मदर डे कभी कता नहीं हमारी, किसको बोल मदर से, ये है मां सबकी बनी, सबकी मम्मी हूं मैं, घर सबकी मम्मी तो है वो, हेलो गाइस ये तो मेरे जो ये छोटा बेटा है सारा काम करता है घर पे, आजकल सबसे छोटी बेटी वही बन रही है, अरे बाप रे, अरे मम्मी कुछ और बोले यार,
हेलो गाइस, ऐसे प्यार आपको दिखाते रहना है। और आज मदर्स डे थी, वो तो सबकी मम्मियों को मेरी ओर से सब बधाई हो। अपनी मम्मी को बोला आपने? मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई यार, वो कहाँ जानती है इतने गाँव के लोगों का। पिछली बार तो बोला था। हाँ बोला तो था, पर बस मेरे सारे बच्चों के साथ प्रार्थना यही रहेगी, सबकी मम्मी अच्छी रहे, सबका परिवार ठीक ठाक रहे। मेरी ओर से हैप्पी मदर्स डे। ओके मेरी शुभकामनाएं। चलो ब्लॉग का खत्म कर दो मम्मी, जैसे मैं क्या बोलता हूँ ब्लॉग का जब खत्म करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना और अपना ध्यान रखना। ओके बाय भाई, गुड नाइट।